हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Neo 7 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप जो है होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज सेटिंग को अपना चेंज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज सेटिंग जो है ना चेंज होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको है ना नीचे ये ऑप्शन आपको मिलेगा नोटिफिकेशन का, नोटिफिकेशन पे सिलेक्ट करना है। अब नोटिफिकेशन के इस पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज, ठीक है। इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब ये आपका पेज ओपन हो जाएगा होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज का, ठीक है। इसमें आपको नीचे की साइड तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको यहाँ पर जो है ना नीचे वाला सबसे लास्ट वाला ऑप्शन छोड़ देना है, आपको ऊपर के दो ऑप्शन आपको यूज करने चेंज करके, ठीक है। देखिए डॉट का और नंबर का, तो मैं इन डॉट और नंबर ये दोनों कैसे काम करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप अपने हिसाब से चेंज करके आप इसे सिलेक्ट करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डॉट पर अगर आपका टिकमार्क लगा रहता है ना, डॉट पे अगर आपका टिक मार्क लगा रहता है, तो ये सेटिंग कैसे काम करती है कि आपके मोबाइल फोन पे जब भी किसी भी ऐप का जिस ऐप का नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, उस ऐप के ऊपर आपको जो है ना डॉट लगा हुआ दिखाई देता है। देखिए जैसे इस वाले ऐप के ऊपर एक ये रेड कलर का डॉट है, इस वाले ऐप के ऊपर येलो कलर का है, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसके अंदर जो है मैं देख लेता हूँ एक बार, यहाँ पर नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इस वाले ऐप के ऊपर ग्रे कलर का डॉट है, ठीक है। मतलब जिस ऐप का नोटिफिकेशन आता है ना उस ऐप के ऊपर आपको डॉट लगा हुआ दिखाई देता है, जिससे आपको पता चलता है कि इस ऐप का नोटिफिकेशन आपको रिसीव हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना आपको करना क्या है, ये सेटिंग ऐसे काम करती है, ठीक है। अब आपको चेंज करके इसे नंबर पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना ये सेटिंग आपकी चेंज हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। अब ये नंबर पे सिलेक्ट करने से ये सेटिंग कैसे काम करती है, देखिए जिस ऐप का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पे आएगा ना उस ऐप के ऊपर आपको डॉट लगा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। उस ऐप के ऊपर आपको डॉट लगा हुआ दिखाई देगा और उस डॉट के अंदर आपको नंबर लिखा हुआ दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए कि आपके फेसबुक के आपको 10 नोटिफिकेशन आपको रिसीव हुए, ठीक है, 10 नोटिफिकेशन रिसीव हुए, तो फेसबुक के ऐप के ऊपर आपको एक डॉट लगा हुआ दिखाई देगा और उस डॉट के अंदर आपको 10 नंबर लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो जितने आपके नोटिफिकेशन रिसीव होंगे जिस ऐप के उसके उतने ही नंबर आपको लिखे हुए दिखाई देंगे। तो ये सेटिंग जो है ना इस तरीके से काम करती है आपकी होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज सेटिंग, आप इसे चेंज करके यूज कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन में, ठीक है। और यहां पर ये नंबर पे सिलेक्ट करने से, ये मैंने नंबर पे सिलेक्ट किया तो यहाँ पर जो है मुझे इसके ऊपर ये ऐप्स के ऊपर यहाँ पे डॉट लगे हुए क्यों नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि सेटिंग को जब हम चेंज करते हैं ना तो सेटिंग चेंज होने के बाद जब नोटिफिकेशन आते हैं तब वो सेटिंग अप्लाई होती है, ठीक है। तो ये सेटिंग इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं।